मेरे फोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। एक मिनट रुक भाई, मेरे फोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। एक मिनट रुक जा भाई, मेरे फोन में तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। तुम सभी लोग रुक जाओ, मेरे पास आईफोन है। देखा यहाँ पर आपने, सभी लोग यहाँ पर मेगापिक्सल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आईफोन की बात आती है तो कोई मेगापिक्सल की बात नहीं करता। ऐसा क्यों? आजकल के स्मार्टफोनों में यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, यहाँ तक कि आपको दोस्तों 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल जाता है स्मार्टफोनों में। लेकिन दोस्तों जब बात आती है यहाँ पर कंपैरिजन की, पिक्चर क्वालिटी की, तो आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ पर जो आईफोन में कैमरा दिया होता है वो होता है 12 मेगापिक्सल का, लेकिन फिर भी ये 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, इन सभी से यहाँ पर आईफोन का कैमरा बेहतर माना जाता है। ये तो छोड़ो यार, यहाँ पर अगर आप DSLR के कैमरे को देखोगे तो DSLR में आपको 16 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिलता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो DSLR होता है वो कैमरा स्मार्टफोन से लाखों गुना बेहतर होता है और बहुत ज़्यादा बढ़िया पिक्चर्स क्लिक करता है स्मार्टफोन्स के कैमरे से अगर हम कंपेयर करें तो। ऐसा क्यों? तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा कि आखिर में ये मेगापिक्सल क्या है, मेगापिक्सल का फंडा क्या है। एक बार अगर आपको मेगापिक्सल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया तो आपको सारे सवालों के जवाब इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जब भी आपको एक फोटो क्लिक करते हो अपने स्मार्टफोन के कैमरे से, तो यहाँ पर आपके स्मार्टफोन में एक कैमरा सेंसर होता है जो इस फोटो को कैप्चर करने में मदद करता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो सेंसर होता है जिसे हम इमेज सेंसर भी कहते हैं, इस सेंसर के अंदर दोस्तों होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे बॉक्सेस, जैसे अगर आप नॉर्मल देखोगे यहाँ पर आंखों से तो शायद आपको दिखाई ना दे, तो इन्हीं छोटे छोटे बहुत ही टाइनी बॉक्स को दोस्तों यहाँ पर हम कहते हैं पिक्सल। तो इन्हीं छोटे छोटे बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे पिक्सल में यहाँ पर एक इमेज की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और यही छोटे छोटे बॉक्स मिला के दोस्तों यहाँ पर, करोड़ों यहाँ पर पिक्सल मिला के दोस्तों यहाँ पर बनता है एक इमेज जो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिंपल दोस्तों भाषा में कहें तो यहाँ पर किसी भी इमेज का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, अगर आप उसे मैक्सिमम जूम करके देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप बहुत ही ज्यादा जूम करने लग जाओगे तो वहां पर जो फोटो में आपको छोटे छोटे बॉक्स, स्क्वायर टाइप के बॉक्स देखने को मिलेंगे, इन्हीं को दोस्तों हम कहते हैं पिक्सल। अब यहाँ पर आपको पिक्सल समझ आ गया होगा तो यहाँ पर आपको मेगापिक्सल भी इजीली समझ आ जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे दोस्तों पिक्सल होते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर टाइप के बॉक्स होते हैं, इन सभी को मिला के, इन सभी के कॉम्बिनेशन से दोस्तों बनता है यहाँ पर मेगापिक्सल। तो एक मेगापिक्सल में होते हैं दोस्तों 10 लाख पिक्सल, मतलब जब 10 लाख छोटे छोटे यहाँ पर पिक्सल आपस में मिलते हैं तो दोस्तों बनता है एक मेगापिक्सल। यानी कि अगर 12 मेगापिक्सल है तो दोस्तों यहाँ पर 12 मेगापिक्सल में होंगे दोस्तों 12 मिलियन पिक्सल, यानी कि यहाँ पर होंगे 1 करोड़, यहाँ पर 20 लाख पिक्सल होंगे छोटे छोटे, तब दोस्तों इन सभी से जाके मिलके बनता है 12 मेगापिक्सल कैमरा। सेम इसी तरह दोस्तों यहाँ पर अगर 48 मेगापिक्सल का कैमरा है तो दोस्तों यहाँ पर कैमरे में यहाँ पर 48 मिलियन बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पर पिक्सल होंगे। 64 मेगापिक्सल कैमरा होगा तो 64 मिलियन यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर पिक्सल होंगे। तो इन सभी छोटे छोटे पिक्सल के कॉम्बिनेशन से ही दोस्तों बनता है एक मेगापिक्सल। तो यहाँ पे दोस्तों जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा दोस्तों, जो रेजोल्यूशन होगा वो उतना ही बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 12 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसका जो रेजोल्यूशन होगा वो होगा 4290x2800। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर ये आएगा करीब 12 मिलियन के बराबर। वहीं पे दोस्तों अगर 64 मेगापिक्सल का अगर कैमरा यहाँ पर दे रखा है आपको, तो वहाँ पर आपको जो रेजोल्यूशन है वो आपको थोड़ा और बड़ा देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे दोस्तों जो रेजोल्यूशन है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा आप इमेज को जूम कर सकते हो। आप देखना एक 12 मेगापिक्सल से पिक्चर क्लिक करके और एक 64 मेगापिक्सल से यहाँ पर पिक्चर को क्लिक करके देखना, तो यहाँ पर अगर आप इमेज को जूम करोगे तो 12 मेगापिक्सल वाला जो इमेज होगा वो उतना ज्यादा जूम नहीं होगा जितना ज्यादा जूम दोस्तों यहाँ पर 64 मेगापिक्सल वाला जो इमेज है वो जूम होगा, क्योंकि वहां पर जो पिक्सल है वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जूम है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मेगापिक्सल, पिक्सल का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया है। अब यहाँ पर क्या आपको पता है कि जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं यहाँ पर कैमरे में 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल के कैमरे को यहाँ पर 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल कैमरा बता के यहाँ पर आपको बेवकूफ बना जाता है। वेल कैसे? चलिए इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, ये है मेरे पास एक बॉक्स और यहाँ पर मेरे पास टोटल है 12 आर्म। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दोस्तों ये जो बॉक्स है ये है दोस्तों इमेज सेंसर कैमरे का, आपके स्मार्टफोनों का। तो यहाँ पर टोटल जो 12 आर्म है दोस्तों ये है मेगापिक्सल, एक आर्म दोस्तों बराबर है यहाँ पर एक मेगापिक्सल के। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जो कैमरा सेंसर है या फिर कह लो जो बॉक्स है वो मैक्सिमम यहाँ पर 12 मेगापिक्सल यानी कि 12
आम को ही स्टोर कर सकता है। और यहाँ पर जो सारे आम है दोस्तों, उन सभी का जो साइज है वो फिक्स्ड है, सेम है। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी क्या करते हैं, इसी 12 मेगापिक्सल की जगह पे यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको बना के दे देता है। वेल कैसे, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बॉक्स का साइज है, वेल वो तो सेम है, जो इमेज सेंसर है उसका जो साइज है वो तो सेम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल आर्म या फिर कह लो 48 आर्म यहाँ पर आपको स्टोर करके देगा। वेल कैसे, इसका ट्रिक क्या है, आप सिंपल सा कॉमन सेंस वाला यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आर्म के साइज को अगर हम छोटा कर देंगे, ऑफकोर्स यहाँ पर छोटे छोटे अगर हम आर्म को यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पर आप 48 यानी 48 मैंगोज को यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, इस सेंसर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए जो एक आम है, एक बड़ा आम है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो सभी आम है उसका साइज सेम है, तो यहाँ पर एक आम की जगह पे यहाँ पर जो कि बहुत ही बड़ा है उसकी जगह पे अगर हम चार छोटे छोटे मैंगो या फिर छोटे छोटे आम को यहाँ पर डाल दे, तो यहाँ पर एक आम की जगह पे चार आम आ जाएंगे। तो सेम इसी तरह दोस्तों यहाँ पर बाकी बचे जितने भी 11 आम हैं उन सभी की जगह पे दोस्तों यहाँ पर अगर हम हर एक आम जिसका जो साइज है वो बड़ा है उसकी जगह पे अगर हम छोटे छोटे चार आम डाल देंगे, तो यहाँ पर अगर हम चार को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स में दोस्तों हमारे पास आ जाएंगे टोटल यहाँ पर 48 आम, मतलब 48 आम आ जाएंगे, 48 मेगापिक्सल यहाँ पर आम आ जाएगा। तो सेम दोस्तों इसी तरह यहाँ पर जो कंपनी है यही टेक्निक अपनाती है यहाँ पर। तो जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है दोस्तों यहाँ पर हर एक पिक्सल का जो साइज है दोस्तों यहाँ पर वो छोटा कर दिया जाता है। एक पिक्सल को यहाँ पर अगर हम चार डिवाइड भाग में बांट दें, यहाँ पर चार भागों में बांट दें, तो यहाँ पर एक जो पिक्सल होगा बड़ा वाला वो चार पिक्सल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चार पिक्सल होगा दोस्तों अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 12 मेगापिक्सल से, यहाँ पर तो 12 चौक होता है 48, तो यहाँ पर आपको टोटल 48 मिलियन पिक्सल देखने को मिलेंगे दोस्तों छोटे छोटे। जबकि दोस्तों जो इमेज सेंसर है उसका जो साइज है वो सेम है, लेकिन जो पिक्सल साइज है वो छोटे छोटे हो जाएंगे, और यहाँ पर उसी बॉक्स में उसी इमेज सेंसर में यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर पिक्सल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये कंपनी है दोस्तों इसी टेक्निक को अपना के यहाँ पर बताया जाता है आपको कि फोन में यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और यहाँ पर कंपनी झूठ भी नहीं कहती, क्योंकि यस यहाँ पर आपको वाकई में 48 मिलियन पिक्सल देखने को मिल जाते हैं, 64 मिलियन पिक्सल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो पिक्सल का साइज होता है दोस्तों उसे छोटा कर दिया जाता है, लेकिन जो इमेज सेंसर होता है वो सेम ही होता है। तो यहाँ पर इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर आपको स्मार्टफोनों में, सस्ते स्मार्टफोनों में यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल का फंडा तो अच्छे से समझ आ गया है। अब यहाँ पर आपके मन में कई बार सवाल होगा कि यार यहाँ पर हमारे फ़ोन में तो 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आईफोन या फिर पिक्सल जैसे स्मार्टफोनों में यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा स्मार्टफोन होता है, आईफोन का जो कैमरा होता है वो बढ़िया होता है इन सभी से, कैसे? इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो DSLR कैमरा होता है उसमें 16 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल का कैमरा दिया होता है, लेकिन जो DSLR से ली गई जो फोटो होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही बड़ी या फिर बहुत ही गुना यहाँ पर बेटर होता है यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन के मुकाबले। कैसे? तो ये जो दोस्तों फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं जिनमें दोस्तों 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, इनके कैमरे में दोस्तों जो सेंसर साइज होता है वो दोस्तों होते हैं बड़े। अगर आप इसे नॉर्मल स्मार्टफोन या फिर कह लो यहाँ पर जो सस्ते स्मार्टफोन होते हैं 15 से 20 हज़ार या फिर 7-8 हज़ार के स्मार्टफोन, उनमें भी आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन इनसे कई गुना बेटर होता है दोस्तों यहाँ पर ये फ्लैगशिप स्मार्टफोनों का कैमरा। इवन यहाँ पर अगर आप 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन से भी कंपेयर करते हो तो इनके मुकाबले यहाँ पर जो ये 12 मेगापिक्सल वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन कैमरे होते हैं इनके जो इमेज क्वालिटी होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। और दोस्तों इसके पीछे कारण होता है दोस्तों यहाँ पर इमेज का, जो यहाँ पर आप इमेज लेते हो उसका जो पिक्सल साइज है दोस्तों यहाँ पर वो कितना बड़ा हो, तो जितना ज़्यादा पिक्सल साइज बड़ा होगा दोस्तों यहाँ पर उतने ज़्यादा जो पिक्सल है वो लाइट को कैप्चर कर पाएगा, डिटेलिंग को कैप्चर कर पाएगा, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा स्टोर कर पाएगा यहाँ पर दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों ओवरऑल आपको जो पिक्चर क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी होती है जो आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोनों में देखने को मिलता है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पिक्सल साइज या फिर कह लो इमेज सेंसर का जो साइज है इस पर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अपर्चर हो गया, अपर्चर कितना दे रखा है, जितना कम अपर्चर होगा उतनी ज़्यादा रोशनी अंदर जा पाएगी, उतना ज़्यादा अंदर जो लाइट है वो पास हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ में दोस्तों एल्गोरिथम होता है, तो यहाँ पर जब आप कोई फोटो क्लिक करते हो तो उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर जो इमेज सेंसर
सेंसर है या फिर जो पिक्सल है उसने तो अपना काम कर दिया, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर दिया, लेकिन उसे प्रोसेस कैसे करना, उसके लिए फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा यहाँ पर आपको इमेज प्रोसेसर दे रखा है, जो एल्गोरिथम है वो किस तरह का अपनाया जा रहा है, वेल इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है दोस्तों ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी। तो यहाँ पर जो महंगे स्मार्टफोन होते हैं, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं, इन सभी में दोस्तों यहाँ पर इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, इसलिए फ्लैगशिप स्मार्टफोनों का जो कैमरा होता है वो बढ़िया होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि यहाँ पे जो DSLR कैमरा होता है यहाँ पर उसमें आपको दोस्तों यहाँ पर 16 मेगापिक्सल 24 मेगापिक्सल का कैमरा दिया होता है, लेकिन इनकी जो क्वालिटी होती है फ्लैगशिप स्मार्टफोन के कैमरे की बात कर लो या फिर यहाँ पर 64, 48 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल कैमरा वाले स्मार्टफोन की बात कर लो, उनसे 1000 गुना बेटर होती है। वेल क्यों? वेल इसके पीछे तो जो सबसे मेन रीजन है वो दोस्तों यहाँ पर जो DSLR में जो आपको इमेज सेंसर दिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, अगर आप इसे कंपेयर करोगे यहाँ पर स्मार्टफोन के सेंसर से। यहाँ पर अगर आप स्मार्टफोन के सेंसर को अगर आप नॉर्मली देखोगे तो शायद आप देख भी नहीं सकते, बट यहाँ पर अगर आप DSLR में यहाँ पर सेंसर को देखोगे तो आप इसे ईजिली देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर होता है दोस्तों जो पिक्सल साइज, यस यहाँ पर जो आपको दोस्तों DSLR में जो पिक्सल साइज दिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के कैमरे में जो इमेज आपको देखने को मिलती है उसके पिक्सल साइज के मुकाबले। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर ज्यादा बड़ा सेंसर साइज होने की वजह से यहाँ पर आपको ज्यादा बड़े पिक्सल देखने को मिलेंगे, ज्यादा बड़े पिक्सल साइज देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगे तो यहाँ पर जो पिक्सल है वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर पाएगा, ज्यादा लाइट को वहां पर पास हो पाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वो डिटेलिंग को कैप्चर कर पाएगा, जिससे ओवरऑल जो यहाँ पर आपको ओवरऑल इमेज देखने को मिलती है वो नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आपको? अगर पसंद आया ना यहाँ पर कुछ जानने को मिला, लाइक दबाओ, इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंचनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए, बेल आइकन पे जरूर दबा लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए, और हाँ कुछ भी सवाल हो नीचे कमेंट कर लेना, सोशल मीडिया पे जाके आप पूछ सकते हो, और मिलता हूँ मैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।